हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग कैट के केजेस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि कैट को हम जब केजेस में देखते हैं, शेल्टर्स में केजेस में देखते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ केजेस में रखने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। हम कैट को केजेस में रखते हैं तो वो कैट्स के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा कैट से बॉन्डिंग बनाने में काम आती है। अगर आपने कहीं से कैट रेस्क्यू किया है या बाय किया है और आपको ऐसा लग रहा है कि कैट बहुत ज़्यादा हिस कर रही है, कैट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है और हाथ नहीं लगाने दे रही है आपको, तो इस टाइम पे आपको केज बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको बस इतना करना है कि आपको कैट का साइज़ देखना है, उस हिसाब से केज डिसाइड करना है। अगर आपकी कैट किटन है तो उसे कुछ 5 इंचेस का केज लगेगा, जहाँ पे उसके उसका लिटर बॉक्स, उसका बेडिंग, उसका फूड एंड वाटर बाउल दोनों आ जाए। बट आपको 24 आवर्स कैट को केज नहीं करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कैट जितना ज़्यादा ओपन एरिया में रहेगी, ओपन रूम में रहेगी, उतना ज़्यादा फ्रेंडली हो सकती है। एकदम केज करके रखने से आपकी कैट कभी फ्रेंडली नहीं होंगी। आपको ध्यान रखना है, इंट्रोड्यूस आपको ऐसा करना है कि उसको भी, उसके लिए भी स्ट्रेसफुल ना रहे और आपके लिए भी स्ट्रेसफुल ना रहे। धीरे धीरे करके वो आप लोगों से इंट्रोड्यूस होगी, उसे समझ आएगा। बट पूरा दिन ना रखते हुए कुछ कुछ टाइम आप उसको केज में रख सकते हो और कुछ टाइम उसको रूम में रख सकते हो। एक ऐसा स्पेसिफिक रूम देखिए जहाँ पे उसका केज, लिटर बॉक्स और उसका फूड बाउल एंड वाटर बाउल साथ में हो, और बाद में वो जब आप थोड़ी देर के बाद उसको केज से बाहर निकालें तो उसके लिए फ्री जगह घर में घूमने के लिए हो। सेकेंड है लिटर ट्रेनिंग। अगर आपने कोई भी कैट खरीदी है या आपने रेस्क्यू किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम कैट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है अपने लिटर को लेके। बिल्कुल उन्हें समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली वो कहाँ करे। इसीलिए कोई भी कैट अगर आप लेते हो तो आपको मेक श्योर करना है कि वो लिटर प्रॉपरली जाए। अगर वो नहीं जा रही है तो आपको उसे ट्रेन करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास ऑलरेडी पेट्स होते हैं और हम अगर कहीं से रेस्क्यू करके लेके आ रहे हैं या फिर हम कहीं से बाय कर रहे हैं और वो कैट इन्फेक्टेड है और हमारे घर ऑलरेडी और ज़्यादा वही ब्रीड्स के या फिर एनिमल्स हैं जिनसे जो वायरस एक दूसरे से ट्रांसमिट हो सकता है, तो आप केज में उसको रख सकते हैं। हमें काफ़ी बार नॉलेज नहीं होती है, जो कैट वैक्सीनेटेड नहीं होती है हम उसे अपने घर ले आते हैं। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपके घर में और भी ज़्यादा पेट्स है तो हमेशा वैक्सीनेटेड कैट्स ही अपने घर में लेके आइए, क्योंकि वायरस घर में 14 डेज में अडाप्ट होता है। अगर वो कहीं से कैरी करके आ रहा है तो वो 14 डेज़ के अंदर कैट्स को ख़त्म कर देगा। तो मेक श्योर कि जब आप कैट लेके आ रहे हो उसको पहले तो आइसोलेट करिए, क्वारंटाइन कीजिए एक रूम में, एंड आपको तभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपकी कैट या किटन ने इन्फेक्शन लेके आया है या नहीं लाया है। 3 से 4 हफ्ते अगर आप देखते हो कि उसे कोई सिम्टम्स नहीं है बीमारी के और वो बिल्कुल ठीक है, तो आप बिल्कुल अपने पेट्स के साथ उसको छोड़ सकते हो। बट बिफोर दैट, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कोई वायरस अपने साथ लेके आ रही है, तो डेफिनेटली आप उसको क्वारंटाइन करें। अब हम आते हैं हमारे 4th बेनिफिट पे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई कैट एक पर्टिकुलर बीमार है या उसे डायरिया हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़, आप उसको, आपकी कैट को आइसोलेट कीजिए केज में, उसको ऑब्जर्व कीजिए कि एग्जैक्टली उसको क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। केज में जब आप एक अपनी कैट को रखोगे जो बीमार है, सो आपको वहाँ पे चीज़ें पता चलेगी कि इसे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आप वहाँ पे उसको पूरी मेडिकेशन के साथ, पूरी दवाइयों के साथ उसको अपने ही साथ ट्रीट कर सकते हो और आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूसरे कैट के साथ नहीं रख रहे हो उसको और आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे अकेला छोड़ा है तो ये स्ट्रेस में ना आए, बट वो टाइम वो स्ट्रेस में होते हैं। जब साथ में पेट्स हो तो जो भी उसको प्रॉब्लम है वो उनको भी लग सकती है, इसलिए आपको जब आपकी कैट आपको बीमार लग रही है और आप ऐसे कोई साइन देख रहे हो, तो पर्टिकुलर उसको एक केज में अलग रखिए अपने दूसरे पेट्स के साथ। 5th, नेस्टिंग। जब आपको पता चले आपकी फीमेल कैट नेस्टिंग कर रही है, तो आप उसको केज में, केज को पूरे चारों तरफ से कवर करके उसको वहाँ पे बेडिंग लगा के रहेगा,
जब आप आपके केज को चारों तरफ से कवर और उसके फूड बाउल और वाटर बाउल के साथ उसको वहीं पे रख देंगे। क्योंकि कैट एक जब फीमेल कैट लेबर में होती है और जब वो नेस्टिंग करती है तो उसे एकदम एक सेफ जगह चाहिए, तो केज आपको नेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा और आपकी कैट इस चीज़ के लेके बहुत सिक्योर भी फील करेगी कि वो उसे जो नेस्टिंग की जगह मिली है वो काफ़ी सिक्योर है। तो ये आज के हमारे 5 बेनिफिट्स थे जो कैट्स के लिए काफ़ी काम आते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको इसे नॉलेज मिली है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। हम डेली ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।